नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं, इस वक्त मैं अथाल विस्तार में हूं, जहां पर पिछले दिनों हमने एक खबर दिखाई थी कि कुछ लोग जब स्थानीय विस्तार से जाकर सिलवासा के पुलिस स्टेशन में जाकर अपने आप की शिकायत दर्ज कराई थी कि जमीन का विवाद जो चल रहा था उसको लेकर। सबसे पहले अथाल के बारीपारा विस्तार में हूं, जहां पर नटवर सिंह जी चौहान जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिनकी जमीन यह बताई जा रही है। आखिर किस तरह का मामला है, क्योंकि यहां पर आरडीसी जो है नए वो पहुंचे थे, उसके बाद सर्वे डिपार्टमेंट पहुंचा और फॉरेस्ट विभाग की टीम जो है वो आज यहां पर सुबह से लगी हुई थी। और ऐसे में जब हमारी टीम यहां पर पहुंची तो देखी किस तरह से जो है इस विस्तार में प्रशासन जो है अपना काम कर रही थी। नटवर जी, कहीं ना कहीं पिछले दिनों आप पर एक आरोप लगा था कि जो जमीन है वो स्थानीय लोगों का है, लेकिन जब आज यहाँ सर्वे विभाग की टीम जब यहाँ पहुंची तो उन्होंने बताया कि ये जमीन ऑलरेडी जो सर्वे नंबर है उसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है स्थानीय विस्तार में। आप क्या कहेंगे इस विस्तार में, किस तरह की चीजें आज हुई है यहाँ पर? ये सब गलत है। मेरी जमीन है सर्वे नंबर 121, पुराने जमाने मेरे दादी के जमाने से हमको मिली थी जी। और ये सर्वे नंबर जो है 121 है जी, और ये 26/2/89 में हमको आदेश मिला था। मतलब 1989 में, इनके मुताबिक जो है 1989 में जब है इनकी दादी के नाम पर ये जमीन जो है रजिस्टर्ड हुई है 1989 में, उसके बाद जो है तमाम प्रोसीजरों को होने के बाद जो है 89 के बाद जो है बताया जा रहा है कि अलग अलग प्रोसीजर जो थे उसको फॉलोअप करने के बाद आज जो है ये जमीन आपके नाम पर है। तो अभी फिलहाल जो थी ये जो समस्या चल रहा था कि ग्रामीणों का जो कहना था कि भाई ये है, लेकिन आपसी में जो मैंने वहां पर बातें नोट किया वो कि सर्वे नंबर जो है उनके मुताबिक 123 बताया जा रहा था और आपके हिसाब से 120 था, और एक्चुअल में प्रशासन जो यहाँ पे सर्वे टीम पहुंची है तो 120A के नाम से ही इस सर्वे को दिखा रहा है। 120/1 120/1 705 जी। तो अभी जो है यहाँ पर किस किस तरह की चीजें जो है यहाँ पर हुए, क्योंकि जमीन तो ये जमीन में मैंने 3 बार जमीन में पैसा भर के माफ कराया सर्वे डिपार्टमेंट से जी। उसके बाद मैंने पूरा जमीन का मैंने फेंसिंग करवाया, वायर फेंसिंग करवाया जी। उसके बाद मैंने लेवलिंग करवाया, लेकिन एक झुपड़ा जो है ना वो लोग बोलते हैं कि हम निकालेंगे नहीं, इसीलिए मैंने गुहार लगाई थी कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को, सबको। तो पुलिस बंदोबस्त के साथ मैंने ये लेवल करवाया था जी। और ये करवा दिया था, बार्निंग करवा दिया था जी। पिछले दिनों एक चीज है जिस तरह से ये भी चल रही थी कि जमीन जो बताया जा रहा था, हालांकि आज जब इस जगह पर हम लोग भी पहुंचे, हमारी टीम भी पहुंची, पूरी प्रशासन की टीम यहां पर आई थी, अपना कार्य जो है सुबह से कर रही थी, इसमें ये चीजें जो साफ पता चला कि कुछ दूरों तक जो आप लोगों ने बाउंड्री करके रखी है वहां तक आप लोगों का जमीन आता है और दूसरी तरफ जो है वो फॉरेस्ट का जमीन लग जाता है, और उस जगह को लेकर जो कंफ्यूजन चल रहा है वहां पर जो झोपड़े बने हुए हैं उन झोपड़ों को हटाने के लिए आपने दरख्वास्त की थी जिला प्रशासन के समक्ष, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के समक्ष। ऐसे में आज जिस तरह से आरडीसी जो नए हैं हमारे प्रदेश में वो भी यहां पर आकर अपनी बातों को रखे, देखे और उन चीजों को समझे, अब क्या लग रहा है कि जिला प्रशासन जब इन चीजों की पुष्टि तो कहीं ना कहीं कर ही दी है कि जो भी चीजें हैं वो लगभग आपके फेवर में सब कुछ जा रहा है, हालांकि स्थानीय विस्तारों के जो लोग जो इस तरह से चीजें कर रहे हैं उनके जो रोल निभा रहे हैं उन लोग का कहना था जिस तरह की वो है, तो उनकी कंफ्यूजन के मुताबिक जो पता चला कि वो दूसरे जगह पर कहीं पे जमीन है, 123 सर्वे नंबर जो फॉरेस्ट लैंड है जी, उसमें उन लोगों को दिया गया है जी। तो उन लोगों को हटके चला जाना चाहिए, नहीं तो वो भी चली जाएगी जमीन, बिल्कुल। तो फॉरेस्ट वाले किसी को दे देगा? मैंने इन लोगों को समझा बुझा के, वो लोग मेरे ही लोग थे, उनको समझा बुझा के बोला तो वो लोग निकलने वाले थे, लेकिन 2-3 नेता लोग है यहाँ जो बन के निकल आए वो उसको भड़का रहे हैं जी, दूसरा कुछ है नहीं। संदीप जी, खास तौर पर ये जो बातें चीजें हैं, क्यों लोग जो कह रहे हैं आपके पिताजी, कुछ लोग उनको बढ़ा रहे हैं चढ़ा रहे हैं बात को, इसमें अभी आदिवासी के जो नए नेता जो अपने आप को एक्चुअली आदिवासी के हित जो समझ रहे हैं वो खुद उनको भ्रमित कर रहे हैं, ये आदिवासी के सारे नेता कुछ पैसों के वजह से यहाँ पे ये चक्कर लगा रहे हैं, जबकि आज आपके हाजिरी में, पुलिस की हाजिरी में और सर्वे डिपार्टमेंट, आरडीसी और फॉरेस्ट का पूरा डिपार्टमेंट आया हुआ था, उन्होंने क्लियर ये साबित कर दिया और अपने पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स है।